हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सजाद हुसैन आज एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। क्लास 10 के एक चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट नंबर 2 आपके साथ लेके आया हूँ। तो आज स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इससे पहले वाले जो क्लास था नेशनलिज्म इन इंडिया का जो पार्ट फर्स्ट था, उसमें मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ाया गया और फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट कैसे हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो लीडर्स थे उनके ऊपर पड़ा। तो स्टूडेंट्स, उसमें मैंने बताया कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इंडिया के पीपल्स के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया में लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूज टैक्सेशन सिस्टम उनके ऊपर ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, जिसकी वजह से उनका क्रॉप्स फेल हुआ। क्रॉप्स फेल होने की वजह से फेमाइंस आ गया, तो लोग जो है हर तरीके से इकोनॉमी उनका कम था, सोसाइटी अच्छे से नहीं चल रहा था, उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था, उनको कोई चांस नहीं मिलता था, उनको हमेशा ब्रिटिश सप्रेस किया जाता था। चाहे वो अहमदाबाद के जो फार्मर्स थे या गुजरात के कोई किसी और सेक्शन के या बिहार के जो फार्मर्स थे, इन सारे फार्मर्स के ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफ़ी जुल्म था। इसी बीच में एक शख्सियत आता है जो बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है, जिसको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जो इसी मुसीबत से हिंदुस्तान के लोगों को निकालने के लिए यहाँ पे M.K. गांधी, दैट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी जी, फादर ऑफ नेशन जिसको हम कहते हैं, वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं हिंदुस्तान में जनवरी 1915 में, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में लॉ पढ़ने के लिए पहले जाते हैं। तो वहाँ से वापस आते हैं 1915 में, हिंदुस्तान के लोगों को इस मुश्किल से, हाई टैक्सेशन से, ब्रिटिश के इस जंजीरों से बाहर निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, सबसे पहले वो कहता है कि सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंस और स्टे विद ट्रुथ, सच्चाई के साथ बैठना। तो गांधी जी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हिंदुस्तानियों को ये चीज़ समझाता है कि अगर हमें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है तो हमें कोई खून खराबा नहीं करना है, हमें किसी को गाली गलौच नहीं देना है, हमें किसी भी टाइप के वायलेंस या तशद्दुद और जो मुश्किल वाले जो चीज़ें होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, उनको हमें हाथ में नहीं लेना है, हमें ब्रिटिशर से पंगा बिल्कुल नहीं लेना है, हमें जो भी करना है थ्रू स्ट्राइक्स, थ्रू पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड थ्रू सत्याग्राहीज एंड थ्रू सत्याग्रह मूवमेंट्स के जरिए हमें ब्रिटिश को चैलेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी बीच में कि इतने सारे फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से एंडेंस जो है टैक्सेशन में डूबे हुए थे, फेमाइंस हो चुके थे, क्रॉप्स फेल हो चुके थे, तो इसी बीच में गांधी जी इनके बीच में एज एक फरिश्ते के तरह इनके बीच में आ जाते हैं और हिंदुस्तानियों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए वो हर अंथक एक क्या करते हैं, कोशिशें करते हैं। तो सबसे पहले वो शुरू करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट से। मोहनदास करमचंद गांधी जो है 1915 में जब अफ्रीका से वापस आ जाते हैं, तो सबसे पहले वो 1916 से ही सत्याग्रह मूवमेंट्स शुरू करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि कौन कौन से चीजें मोहनदास करमचंद गांधी ने यहाँ पे किए हैं। सबसे पहले आइडिया ऑफ सत्याग्रह, दैट इज नॉन वायलेंस। गांधी जी जो है M.K. गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी, रिटर्नड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915। साउथ अफ्रीका से वो 1915 में वापस आ जाते हैं अपने देश इंडिया में। इसके बाद ही ऑर्गेनाइज्ड 3 सत्याग्रह मूवमेंट। महात्मा गांधी क्या करते हैं, 3 सत्याग्रही मूवमेंट्स चलाते हैं, 3 वो ऐसे मूवमेंट्स चलाते हैं जो ट्रुथ के लिए क्या होता है, साथ देता है जो मूवमेंट्स। सबसे पहले वो एक मूवमेंट चलाता है, दैट इज 1916 में चंपारण बिहार, बिहार में 1916 में चंपारण बिहार में वो सबसे पहला मूवमेंट चलाता है, सत्याग्रही मूवमेंट। बिहार में एक गाँव होता है, उस गाँव का या डिस्ट्रिक्ट होता है, उसका नाम होता है चंपारण। तो चंपारण में जो पीजेंट्स होते हैं वो काफी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। तो इसी मुश्किलात के बीच में स्टूडेंट्स लुक हियर, वो क्या करता है, महात्मा गांधी बिहार में जाकर वहां पे टू हेल्प द पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। बिहार के जितने भी लोग हैं उनको काफी ऑपरेशन का या काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
तो महात्मा गांधी 1960 में क्या करता है, चंपारण बिहार में जाकर इन पीजेंट्स की मदद करता है। नंबर सेकंड जो है 1917 में वो दूसरे सत्याग्रही मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे चंपारण में इसका सत्याग्रह मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद महात्मा गांधी जो है वो काफी इनकरेज हो जाते हैं अपने सक्सेस को देखकर, तो वो दूसरे सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए 1917 में खेड़ा, गुजरात में एक गाँव है खेड़ा, वहां पे जाकर ये मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, टू सपोर्ट द पीजेंट्स इन रेवेन्यू मैटर्स। यहाँ पे 1917 वाला जो खेड़ा गुजरात में जो महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं, वहां पे ये सपोर्ट करते हैं पीजेंट्स को इन रेवेन्यू मैटर्स, क्योंकि पीजेंट्स को जो है रेवेन्यू में मींस पैसे में या इकोनॉमी में काफी लॉस हुए होते हैं, काफी नुकसान होते हैं, तो इन नुकसानों से उनको निकालने के लिए महात्मा गांधी गुजरात के जो खेड़ा पीजेंट्स हैं, खेड़ा जो विलेज के जो पीजेंट्स उनको हेल्प करते हैं। इसके बाद 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में जो गुजरात का एक सिटी है वहां पे जाकर क्या करता है, एक सत्याग्रही मूवमेंट करता है। वहां पे किसकी मदद करता है महात्मा गांधी, टू हेल्प कॉटन मिल वर्कर्स, जो कॉटन के जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। महात्मा गांधी इन तीनों चीजों की कामयाबी को देखकर सबसे पहले चंपारण बिहार में जो सत्याग्रह चलाते हैं 1916 में, एक दूसरा दूसरा कहाँ पे चलाते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा चलाते हैं 1917 में खेड़ा गुजरात में, तीसरा 1918 में अहमदाबाद गुजरात में। तो ये तीनों सत्याग्रह मूवमेंट जो है महात्मा गांधी का सक्सेसफुल रहता है। महात्मा गांधी अपने इन सक्सेस के सारे किस के मतलब इन सक्सेस के कदमों को लेकर वो काफी इनकरेज रहता है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मगर मैं ऐसे छोटे छोटे सत्याग्रह मूवमेंट करूंगा तो ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या एक सेक्शन के लिए फायदा होगा, पूरे देश के लिए ये चीज फायदा नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा, नेशन वाइड सत्याग्रह करूंगा। नेशन वाइड मीन्स ऐसे सत्याग्रही या ऐसे जुलूस करूंगा या मैं ऐसे प्रोटेस्ट करूंगा, ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट करूंगा जो पूरे देश के लिए फायदा होगा। जो इससे पहले जो चंपारण में जो मूवमेंट्स किया, जो बिहार में है, खेड़ा में जो किया जो गुजरात में है, अहमदाबाद में जो किया जो गुजरात में है, ये सारे मूवमेंट्स जो है महात्मा गांधी के सक्सेसफुल रहा। दिस ऑल मूवमेंट्स वास इन द फेवर ऑफ पीजेंट्स, दोज पीजेंट्स हु वेर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। महात्मा गांधी हेल्प्ड दोज पीजेंट्स इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो महात्मा गांधी थॉट दैट वी नीड टू डू ए मेजर स्टेप। महात्मा गांधी हियर यहाँ पे वो कहता है कि मैं ऐसे छोटे छोटे सत्याग्रही मूवमेंट्स करके मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे हिंदुस्तान की देश के लिए मुझे ज्यादा यहाँ पे और भी ज्यादा काम करना है। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे नेशन वाइड मीन्स पूरे देश के लिए वो सत्याग्रही मूवमेंट करने की कोशिश करता है। तो लुक हियर स्टूडेंट्स, गांधी जी गेट इनकरेज्ड फ्रॉम दिस थ्री सत्याग्रह मूवमेंट्स एंड प्लान इट फॉर नेशनलिज्म, सॉरी नेशन वाइड सत्याग्रह। गांधी जी इन तीन मूवमेंट से 1916 वाला जो सत्याग्रह मूवमेंट होता है, 1917 वाला जो मूवमेंट होता है, 1918 वाला जो मूवमेंट होता है, इन तीनों से महात्मा गांधी जो है काफी इनकरेज होते हैं। और महात्मा गांधी किस चीज की कोशिश करता है कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट करने की कोशिश करता है। नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट्स में महात्मा गांधी क्या करता है, रोलट एक्ट, यहाँ पे महात्मा गांधी रोलट एक्ट के खिलाफ काम करने शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि नेशन वाइड जो महात्मा गांधी ने जो नेशन वाइड क्या चलाया, जो सत्याग्रह चलाया, जो मूवमेंट चलाया, उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी ने रोलट एक्ट के खिलाफ लड़ना शुरू किया है। सो सबसे पहले आपको समझना है कि रोलट एक्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, रोलट एक्ट का मतलब ये है कि ब्रिटिश ने एक कानून बनाया था जिस कानून में ये लिखा था कि कोई भी ब्रिटिशर और ब्रिटिश आर्मी आके या ब्रिटिश ऑफिसर आके हिंदुस्तान के किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को वो बिना रीजन के या बिना वारंट के, बिना वार्निंग के, वो उसको पकड़ के ले जा सकता है और ले जाके 2 साल उसको जेल में डाल सकता है। ये लिखा था रोलट एक्ट में जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। लेकिन महात्मा गांधी ने सोचा कि मुझे छोटे छोटे सत्याग्रही मूवमेंट के करके कोई फायदा ही नहीं है, अगर मैं रोलट एक्ट के खिलाफ जो ब्रिटिश ने बनाया है, जो हिंदुस्तानी पीपल्स के खिलाफ बहुत बड़ा चैलेंजेस हैं, इसको अगर मैं रिमूव करने में सक्सेस रहता हूं तो
मुझे क्या करना है, मैं और भी ज्यादा कामयाब हो जाता हूँ। तो महात्मा गांधी यहाँ पे क्या करता है कि रोलट एक्ट के खिलाफ वो एक्शन लेने की कोशिश करता है। तो महात्मा गांधी लोगों को मोबिलाइज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि हमें किस तरीके से रोलट एक्ट के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि रोलट एक्ट में लिखा था कि आपको किसी भी बिना किसी रीजन के, आप हिंदुस्तानी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट आके पकड़ के ले जा सकता है और आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दैट इज रोलट एक्ट। महात्मा गांधी अपना नेशन वाइड जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाना चाहता था, वो सबसे पहले 1919 में अगेंस्ट रोलट एक्ट इसने चलाने की कोशिश किया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि महात्मा गांधी ने रोलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रही मूवमेंट में क्या क्या एक्शन लिया। महात्मा गांधी ने नेशन वाइड मीन्स जहाँ पे बहुत सारे नेशंस, सॉरी पूरे हिंदुस्तान भर में जो है लोगों को मोबिलाइज किया कि हमें किस तरीके से रोलट एक्ट के खिलाफ लड़ना है। तो महात्मा गांधी ने इसमें क्या किया, लोगों को मतलब समझा बुझा के महात्मा गांधी ने पहला पॉइंट जो नेशन वाइड सत्याग्रह में महात्मा गांधी जो एक्शन लेते हैं, वो पहले करते हैं कि रैलीज और प्रोटेस्टर्स। रैलीज और प्रोटेस्ट महात्मा गांधी यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स जो है वो हड़ताल पे बैठते हैं। इसके बाद शॉप्स क्लोज्ड, इसके बाद इन अप्रैल 10 अमृतसर, इन अप्रैल 10 अमृतसर पुलिस फाइट इन पब्लिक। एंड देन पीपल अटैक ऑन बैंक्स, ऑफिसेस एटसेट्रा। In response to these, British government, in response to this, British government imposed martial law, martial law, headed by जनरल डायर। माशाल्लाह में क्या होता है, आर्मी कंट्रोल, आर्मी कंट्रोल द पावर
इन प्लेस ऑफ लोकल पुलिस, इन प्लेस ऑफ लोकल पुलिस ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो स्टूडेंट्स लुक हियर, महात्मा गांधी ने क्या किया, नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलआउट एक्ट 1919। तो यहाँ पे महात्मा गांधी तीन जो छोटे छोटे जो सत्याग्रह मूवमेंट्स थे उनसे महात्मा गांधी ने क्या किया, मतलब उन चीजों से महात्मा गांधी को काफी बहुत कुछ इंकरेजमेंट मिला जिसकी वजह से ये मूवमेंट चलाया गया अगेंस्ट रोलआउट एक्ट। तो मैंने रोलआउट एक्ट क्या है ये आपको बताया। तो इसमें महात्मा गांधी ने लोगों को क्या क्या करने के लिए कहा और लोगों ने क्या क्या किया अगेंस्ट रोलआउट एक्ट। सबसे पहले लोगों ने रैलीज किया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स जो है वो हड़ताल पे बैठे, शॉप्स क्लोज, दुकानें सारे बंद, ब्रिटिश के सारे चीजों को बायकॉट किया। इन अप्रैल 10 अमृतसर पुलिस फाइट इन पब्लिक एंड देन पीपल अटैक ऑन बैंक्स ऑफिस। 10 अप्रैल को क्या हो जाते हैं, अमृतसर में पुलिस जो है फायर करते हैं पब्लिक को, पुलिस जो है पब्लिक को 10 अप्रैल को पुलिस पब्लिक को फायर करते हैं ओपनली, जिसमें पब्लिक का जिसकी वजह से पब्लिक का गुस्सा और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो पब्लिक क्या करता है, अगेंस्ट टू ब्रिटिशर बैंक्स और ऑफिसेस को जला देते हैं, पत्थर मारते हैं। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडियन पब्लिक के खिलाफ और भी ज्यादा जालिमाना हो जाते हैं, और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और इन रिस्पॉन्स टू दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोजिट मार्शल लॉ हेडेड बाई जनरल डायर। इन सारी चीजों के खिलाफ जहां पे पब्लिक जो है पत्थर मारते हैं, जहां पे पब्लिक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जनरल डायर की सरबराही में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ एडॉप्ट किया। डियर स्टूडेंट, मार्शल लॉ उस चीज को कहते हैं जहां पे सारे पावर जो है उसके किसके पास चले जाते हैं, सारे पावर जो है आर्मी के पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के पास कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं रहते हैं, क्योंकि सारा पावर आर्मी जब लेते हैं तो आर्मी अपने मर्जी से जो करना चाहते हैं वो सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि इन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स टू दिस ब्रिटिश इम्पोज मार्शल लॉ हेडेड बाय जनरल डायर। ब्रिटिश ने क्या किया, जनरल डायर इनका जो हेड था, इन लोगों ने मार्शल लॉ एडॉप्ट किया और आर्मी कंट्रोल द पावर इन प्लेस ऑफ लोकल पुलिस ड्यूरिंग एमरजेंसी। मार्शल लॉ में क्या हो जाते हैं, आर्मी इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिए बताना चाहता हूँ कि रोलाट एक्ट सत्याग्रह, सॉरी रोलाट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया गया, दैट इज नेशन वाइड सत्याग्रह 1919 में, जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, लोगों को मोबिलाइज करके प्रोटेस्ट रैलीज और मूवमेंट्स निकाले गए, लोगों ने बैंक्स के ऊपर, लोगों ने ऑफिसेस के ऊपर पत्थर मारना शुरू किया, जलाना शुरू किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लोगों के खिलाफ वो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करते हैं। तो 10 अप्रैल को अमृतसर में क्या हो जाते हैं, लोग जो है ब्रिटिश के ऊपर पत्थर मारते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अमृतसर में 10 अप्रैल को क्या करते हैं, पीपल्स के ऊपर ओपनली फायर करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फिर से और एक बार तेज होते हैं। तो गांधी जी के ये जो रोल आउट सत्याग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा उसमें लोगों की जाने जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, मार्शल लॉ इम्पोज करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाते हैं कि इंडियन पीपल्स जो है ऐसे ही चुप बैठने वाले लोग नहीं है, तो इनको क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। तो जनरल डायर जो एक ऑफिसर था उसकी सरबराही में मार्शल लॉ इम्पोज किया, क्योंकि मार्शल लॉ में सारे पावर जो है मिलिट्री के पास चले जाते हैं। इसके बाद गांधी जी क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, और इसके बाद जो है जलियांवाला बाग का हमें सेक्शन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।